लेट से फोल्डर का नाम मैं ग्रिड लिख देता हूँ, ग्रिड जैसे हमने फ्लेक्स पढ़ा था, फ्लेक्स एक डायरेक्शन में काम करता है, सिर्फ रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, ठीक है। उसी तरीके से ग्रिड है, अब ग्रिड में भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फ्लेक्स के साथ में प्रॉपर्टीज है। मैं सिंपल सा एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, W3 School, जिस पे आपको बेसिक सा ग्रिड के बारे में बताया गया है। क्या डिफरेंस है टाइप, अगर मैं कॉन्सेप्टिव बात करूँ, अगर मैं लिखा ग्रिड इन CSS, बेसिक सी W3 School की ही वेबसाइट में ओपन कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर नोटिस कीजिए। अगर आपको इस तरीके का पेज का लेआउट चाहिए, नोटिस कीजिए हेडर कंप्लीट रो को, एक रो है उसमें चार कॉलम्स आ रहे हैं, चार नहीं तो अभी के केस में मेरे को तीन दिखाई दे रहे। यहाँ पर अगर आप पेज पर देखते हैं तो हमारे पास मेन्यू जो है वो दो रोज को ले रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो इससे पहले, ग्रिड से पहले अगर आप बेसिक देखते हैं तो यहीं पर सामने में लिखा हुआ है, द CSS ग्रिड लेआउट मॉड्यूल्स ऑफर अ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम with rows and columns, making it easier to design web page without having to use float and position property. अगर आपको कोई वेब पेज डिजाइन करना है तो विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजिशन प्रॉपर्टी आप इस ग्रिड का यूज करके पूरे पेज का लेआउट बना सकते हैं। ये बेसिकली ग्रिड का मतलब है। कौन कौन से ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है, वो ही पर्टिकुलर ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पर अगर हम पेज पर आते हैं तो किस तरीके से ग्रिड लेआउट कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट विथ वन और मोर चाइल्ड एलिमेंट्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं वही चीज जिस तरीके से हमने फ्लेक्स को पढ़ा था, ठीक है। तो किस तरीके से समझना है, सिंपल सी बात है, काफी ईजी है, ग्रिड बस प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बेसिकली जब हमें प्रॉपर्टीज आती हैं तो हमसे काम होता है, नहीं आती है तो हम सच ही मारते हैं फिर। और क्या करते, हम यहाँ पर पेज पर आए, मैंने लेट से a.html रैंडम सा एक पेज बना दिया, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड। बट बेसिकली मैंने आपको ये फोकस करवाया कि ग्रिड में आप टू डायमेंशन पे काम करते हैं, किसी को बड़ा करना किसी को छोटा करना, दोनों डायरेक्शन पे काम करता है। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ग्रिड की प्रॉपर्टीज कैसे लिखी जाती हैं। मैंने एक टिप बनाया सेम उसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम पे किया था, एक कंटेनर, उस डिफ के अंदर लेट से मैं कुछ डिफ के आइटम्स बना देता हूँ। मैंने लिखा डिफ डॉट आइटम डॉलर मल्टीप्लाइड बाई 4, 5, 6 कुछ भी ऐसा लिख दे रहा हूँ। मैंने नंबरिंग कर दी बेसिक सी, जैसे नंबरिंग कर दी, स्टेप 1 लिख दिया, स्टेप 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4, 5, 6 इस तरीके से मैंने नंबरिंग कर, ठीक है। सिंपल सा मैं इसकी CSS लिख दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग लिख दी, मैंने कहा चलो स्टाइल लिखते हैं, और वही काम जैसे मैंने डिफ जो मेन बना रखा है, उसकी अगर क्लास दे रखी है तो मेन वाले क्लास को कंटेनर मैंने डिफाइन किया, ठीक है। एक बेसिक सी कोई भी विड्थ डिफाइन कर दी, मैंने कहा यार एक विड्थ रहेगी, ठीक है, कोई भी ऑटोमेटिकली कोई भी विड्थ दे दे रहा हूँ अभी। जैसे कंटेनर की विड्थ दे दी मैंने 80% या 800 pixels ऐसा कुछ भी, ठीक है। लेट्स से कंटेनर की एक बेसिक सी हाइट दे दी मैंने, कोई भी एक रैंडम सी हाइट दे दे रहा हूँ, लेट्स से 700 pixels मैंने इसकी एक हाइट दे दी। और मैंने इस पर एक बैकग्राउंड या फिर बॉर्डर लगा देते हैं, तो बाहर का कंटेनर रहेगा उस पर एक बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड रेड ब्लैक कुछ भी एक बॉर्डर दे दी।
तो हम यहाँ पर आए, इसके नीचे मेरे पास कुछ डिब बने हुए हैं, तो उसी तरीके से मैं काम कर ले रहा हूँ। मैंने कहा कंटेनर के नीचे दो डिब हैं, अगर उनकी nth चाइल्ड इवन इवन पोजीशन पे होंगे तो लेट से उनका एक बैकग्राउंड कलर अलग हो जाए, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। मैंने कहा इनका बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा हो, उनकी जो विड्थ हो लेट से वो 100 पिक्सल हो, और उनका एक हाइट जो हो वो लेट से 100 पिक्सल हो, ऐसा कुछ भी मैंने डिफाइन कर दिया है बिगे से। ठीक है, इसी तरीके से मैंने मैंने कंटेनर बनाया, मैंने यहाँ पर डिफ डिफाइन कर दिया। मैंने कहा जो डिफ बना रखे हैं उनके nth चाइल्ड अगर ऑड आउट पोजिशन पे होते हैं तो लेट से जो बैकग्राउंड कलर आए वो कुछ ऐसा आए, या रेड आए या ब्लू आए कुछ ऐसा, और उनका विड्थ कुछ इस तरीके से हो लेट से 200 पिक्सल या 100 पिक्सल ही दे देते हैं 100 पिक्सल, और इनकी जो हाइट हो वो भी 100 पिक्सल। मैंने बेसिक से डिफ बना दिए हैं। अगर मैं पेज पर जाकर देखता हूँ तो मुझे एक सीधे से 1 2 3 4 इस तरीके से 6 डिफ बने हुए दिखाई देने चाहिए कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर ग्रिड सिस्टम का यूज करता हूँ तो आप नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पर मेन वाले कंटेनर पर जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया था उसी तरीके से डिस्प्ले क्या कर दे रहा हूँ, ग्रिड कर दे रहा हूँ। बट ऐसा ग्रिड करने से कुछ नहीं होता है, आप यहाँ पर पेज पर जाकर देखिए कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बस एक स्पेस बना है बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ दाएं बाएं इस तरीके से। बट आप यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं, नोटिस करना यहाँ पर एक ग्रिड लिखा हुआ आ रहा है, जब मैं इस पे ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नंबरिंग जैसी पड़ रही है। ठीक है, कुछ हो रहा है, नंबरिंग जैसी पड़ रही है। ठीक है, हम यहाँ पर पेज पर जाते हैं। अब हमने लास्ट टाइम पर क्या किया था, शुरुआत करी थी, अगर मुझे 4 कॉलम्स बनाने हैं 6 कॉलम्स बनाने हैं इस तरीके से शुरुआत करी थी, राइट। तो हमारे पास ग्रिड पर प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कितनी रो बनानी है उसके लिए ग्रिड टेम्पलेट रोस, कितने कॉलम्स बनाने हैं उसके लिए ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मान लो मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं तो मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी का यूज किया, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के बीच में यहाँ पर एक रेंडम सी वैल्यू दे दी कि कॉलम्स कितने कितने पिक्सल्स के होने चाहिए। जैसे मैंने कहा यार 200 पिक्सल का पहला कॉलम हो, ठीक है, दूसरा कॉलम हो लेट से 200 पिक्सल का, इसी तरीके से तीसरा जो कॉलम हो वो कितने पिक्सल का हो, 200 पिक्सल का, अभी रेंडम देखना है बस। और अगर 2 रोज बनानी है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने कितने पिक्सल की हूँ, लेट से 200 200 पिक्सल की हूँ, तो आप यहाँ पर इस तरीके से रैंडम डिफाइन कर सकते हैं। ये रोज के लिए पहली रो कितने पिक्सल की, दूसरी रो कितने पिक्सल की, पहले वाले में कॉलम्स डिफाइन कर रखे हैं, ये खाली देखना है अभी याद नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरे वाले में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, पहला कॉलम कितने पिक्सल का, दूसरा कॉलम कितने पिक्सल का, तीसरा कॉलम कितने पिक्सल का। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस सेव किया, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ जो भी मैंने पेज बना रखा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो भी मैंने ग्रिड बना रखा है वो हमारे पास 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने इनकी क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है 100 100 पिक्सल की, ये है ना विड्थ, जो डिप बनाए हैं उनकी। अगर मैंने यहाँ से विड्थ को कमेंट कर दिया, आप नोटिस कीजिएगा जब मैं यहाँ पर पेज पर आ रहा हूँ तो ये खुद से 200 200 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जो भी मैंने बचे हुए जो मेरे पास डिव है वो खुद से 200 200 पे, मैंने इनसे हाइट भी हटा दी, देखते रहना, ये तो मैंने शुरुआत करी थी ना, हाइट और विड्थ तो मैं खुद से देते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाइट भी हटा दी और जो कंटेनर्स बने हुए हैं उनसे। ठीक है, ये मैंने मेन वाले कंटेनर की क्या दे रखी थी, हाइट दे रखी थी मेन वाले कंटेनर की। ध्यान दीजिए ऑटोमेटिकली जैसे डेटा पड़ता है उस हिसाब से डेटा बनता है ना, मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दिया।
मैंने खुद से लिखा है कि 200 पिक्सल हाइट की पहली रो, दूसरी वाली रो इतने पिक्सल हाइट की, ऐसा इस तरीके से डिफाइन किया ना। हाइट मैंने दे रखी है यहाँ पे, ये अगर मैं लिखता हूं कि पहली वाली जो रो है वो कितने पिक्सल की हो, 300 पिक्सल की, और दूसरी वाली किसकी हो, 200 पिक्सल की। देखिए खुद से फर्क पड़ रहा है नारी। हम जो काम कर रहे हैं हम वहीं पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, मेरा अगर ध्यान भटका ना तो मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं आपको सच बता। पढ़ाते समय भी हो सकता है ऐसा, ऐसा थोड़ी है कि आपको बिल्कुल याद रहती होंगी चीजें। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं उस बात पे। आप यहां पर बेचकर हैं, आपने जो मेन विड्थ डिफ बना रखा है उसकी पिक्सल कितनी देर की है, 800। आपने 200 200 200 में तीन डिवाइड किए हैं। अगर मान लो आपने मुझसे ये कहा कि सर ये वाला 400 का होना चाहिए, तो आपने इस पे लिख दिया 400 पिक्सल, तो आप देखिए बीच वाला 400 का है और बाकी 200 200 के हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये तो रही पिक्सल वाली बात। ये तो क्या है, आपने पिक्सल दिया है तब। अच्छा, इसी पिक्सल्स की जगह पर ये लोग कहते हैं कि आप अगर ऐसे नहीं देना चाहते हो, मैंने इसे कर दिया कमेंट, ठीक है, इनकी जगह पर आप अगर इस तरीके से लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कॉलम्स बनने हैं, अगर तीनों कॉलम इक्वल विड्थ के हों, तीनों कॉलम्स इक्वल विड्थ के हों, तो आप कैसे लिखते, आप ऐसे लिख सकते थे, वन एफ आर, वन फ्रैक्शन और वन फ्रैक्शन, तीनों कॉलम्स को आप इक्वल किसके दे रहे हैं, विड्थ के। अभी मैं रोज पर इसी तरीके से लिख दे रहा हूं, मैंने क्या लिखा, ग्रेटर टेम्पलेट रोज, जो भी रोज होंगी वो 200 200 पिक्सल की आ जाए। जैसे मैंने अभी रोज पर ऐसे ही कुछ लिख रखा है, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, इक्वल इक्वल फ्रैक्शन के क्या बन जा रहे हैं, तीन डिफ। अच्छा, मैंने यहां पर जो मैंने डिफ बनाया है उस डिफ पर क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है ना। अच्छा, अगर मैंने विड्थ को कमेंट कर दिया, कंट्रोल प्लस एस सेव कर देता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। उस पे मैंने विड्थ दी है ना, क्लियर हो रही बात? अच्छा, अगर विड्थ मैं 70% 30% ऐसा करता हूं तो वो उस हिसाब से बनेगा जो मेन कंटेनर है। अगर मान लो मैंने विड्थ इस पर इस तरीके से मैंने विड्थ दी है, क्योंकि मैंने बाकी सबसे तो विड्थ हटा दी है ना, मान लो मैंने इस पे 70% की विड्थ दे दी, तो स्क्रीन का 70% मार्जिन अगर मैंने इस पे ऑटो दे दिया तो कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे। टॉप और डाउन से भी थोड़ा सा मार्जिन रहे तो ये प्रॉपर्टी आगे लिख सकते हैं, टॉप और डाउन के लिए होती है, राइट? ठीक है, मार्जिन टॉप और डाउन बॉटम के लिए, और ये जो ऑटो लिखा है किसके लिए, लेफ्ट और राइट के लिए। मैं यहाँ पर पेज पर आया, ये मैंने बेसिक सी एक प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करी, तो डिप कहाँ पर आ रहा है, बीच में। इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के मैंने डिवाइड कर रखे हैं। आप मेरे से अगर ये कहते, अब चलो तीन ही बने और इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के बने, तीन ही बने इक्वल इक्वल फ्रैक्शन के बने, अगर आप ये कहते हैं तो इसकी जगह पर आप शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं, रिपीट। कितने बने, तीन बने, दो बने, एक बने, कितना बने, ठीक है, वो आप यहां पर मेंशन करते हैं। दो कॉलम्स बने, कहने का मतलब क्या है, दो कॉलम्स बने, कितने इक्वल इक्वल फ्रैक्शन के बने, तो आपने क्या लिखा है, वन एफ आर, और बाकी जो बचे हुए यहां पर अगर हैं इस तरीके से आपने लिखा है ग्रेडेड टेम्पलेट। अब तीन रो बन रही हैं तो आप तीन रो को क्या कर सकते हैं, 200 200 200 पिक्सल की, अभी मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली अलग से लिख दी है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, वही कॉलम्स। अब गैप, कॉलम्स के बीच में गैप नहीं दिख रहा है, रो के बीच में गैप नहीं दिख रहा है, तो आपने लास्ट टाइम पे फ्लेक्स पे ये प्रॉपर्टी यूज कर ली थी, कौन सी, ग्रिड गैप वाली।
फ्लेक्स में भी वो ग्रिड गैप वाली प्रॉपर्टी चल जाती है। अब क्या लिखा था, सिर्फ कॉलम्स में गैप चाहिए तो आप कैसे देते, ग्रिड कॉलम, कॉलम गैप होता है ना, इस तरीके से गैप की प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं तो गैप में होगा। अगर आप देखते हैं कॉलम गैप, यह है कॉलम्स में गैप चाहिए, एक कॉलम और दूसरे कॉलम्स के बीच में गैप चाहिए, कितना चाहिए, लेट से 32 पिक्सल का चाहिए। रोज के बीच में गैप चाहिए तो आप क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर रो गैप की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, कितना गैप चाहिए, लेट से 2 EM का गैप चाहिए। तो रो में और कॉलम्स में गैप बनाती है प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर पेज पर हैं इस जगह पे, क्लियर है, आपने तीन फ्रैक्शंस पे इक्वल इक्वल डिफाइन करने होते, तीन कॉलम्स बनाने होते। अच्छा मान लो मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल नहीं लिखा होता, एक प्रॉपर्टी में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैंने ये नहीं लिखा होता, मैं भूल गया होता, मैंने ग्रिड टेम्पलेट रोज पे कितने लिखी है, 200 200 पिक्सल लिख रखी है, तो ये तीसरा वाला क्या कर रहा है, पांचवा वाला छठा वाला ये छोटा बन रहा है, ठीक है। तो इनके पास एक प्रॉपर्टी और है, मैंने उसे चेक किया, ऐसा मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास प्रॉपर्टीज आती है। देखो मैं भी गूगल ही करता हूँ, है प्रॉपर्टीज गूगल से ही निकलती हैं, ऐसे थोड़ी आपको याद रह सकती है। तो मैंने नोटिस किया यार, मैंने कहा अच्छा मैंने यहाँ ग्रिड टेम्पलेट रोज दे रखा 200 200 पिक्सल का, मैं ऊपर अगर दो लिख दे रहा हूँ तो ये नीचे वाले को तो 5 और 6 को तो पूरी हाइट दे ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से अभी क्या कर दिया, ये 200 पिक्सल हटा दिया, ठीक है। तो ऐसी भी तो कोई प्रॉपर्टी होगी, तो मैंने यहाँ पर देखा, मैंने कहा ग्रिड ऑटो रोज करके दिख रही है, ऑटोमेटिकली जब रोज आएंगी, तो जब ऑटोमेटिकली रोज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी कल के दिन। मान लो मैंने एक डिब और नीचे और बढ़ा दिया, दो डिब और नीचे बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब बढ़ जाएंगे तो उस टाइम पर भी क्या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, मैंने कहा चलो देखे देखता हूँ। जब ऑटोमेटिकली कोई रोज बढ़े तो उसका जो हाइट हो वो कितनी हो, 300 पिक्सल हो। मैंने यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करी, देखिए ऑटोमेटिकली जब ये बढ़ रही है तो क्या हो रही है, ज्यादा दिख रही है 300 पिक्सल। अच्छा मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कल के दिन अगर मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोई डिव पे डेटा बढ़ा, क्योंकि डायनेमिकली डेटा बढ़ेगा मेरे दोस्त, डेटा कहीं से आ रहा है, वो डेटा हमें डायनेमिकली दिखाना होता है पेज पे, ठीक है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के साथ चलती है वेब डिजाइनिंग, डेटा कहीं से आ रहा है, मैं शॉपिंग साइट बना रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान देना यहाँ पे, फोकस करना मेरी बातों पे कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं एक शॉपिंग साइट बना रहा हूं, नोटिस करना, ठीक है। हम आधा ज्ञान लेके पढ़ रहे होते हैं, जब पढ़ते हैं ना तो हमें इतना नहीं पता चलता है आगे के बारे में, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको शॉपिंग साइट बनानी है, देखिए अगर मैं अमेजोन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फोकस करना है ये वाली बातों पे, हमने यहाँ पर अमेजोन पे अगर क्लिक किया, और इस अमेजोन पे मैं क्लिक करने के बाद जाकर अगर पेज पर देखता हूँ, तो देखिए अब कल के दिन मान लो ये डब्बे और बढ़े, तो मान लो किसी ने एक डेटा, क्योंकि डेटा ऐसे नहीं आता है, ये डेटा आता है API के थ्रू, बातों को सुनना है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, ठीक है। पहले वाले जमाने में अलग तरीके से पढ़ाता था, मैं भी इवन अलग तरीके से पढ़ाता था, ठीक है, बट मुझे बेसिक सब लेके चलना पड़ता है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बात बोल दूं तो उसके लिए क्या है, कंफ्यूजन है। अभी होता क्या है, इस तरीके का डेटा होता है, मेरी बात पे थोड़ा फोकस करना, हो सकता है आपको कम समझ में आए, ठीक है। कुछ इस तरीके का डेटा होता है, मान लो मैंने कहा कि मेरे को एक फेक API चाहिए, जैसे इस तरीके की प्रोडक्ट्स की, ये एक ऐसा कुछ डेटा होता है, ठीक है। अब इस डेटा को हमें, जब हम वेबसाइट बनाते हैं, ये डेटा कहीं से आ रहा है, आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो आप देखिएगा, यहीं पर अगर मैं व्हाट्सएप अपना ओपन करता हूं, थोड़ा मैं आपको रोक रहा हूं कि ऑटोमेटिकली डिफ का मतलब क्या है, मैंने अभी तो यहाँ पर किस इस तरीके का बोला है, मैंने कहा कल के दिन अगर यहाँ पर आपने दो डिव और बना दिए, लेट से आपने आइटम 22 के लिखा डॉलर मल्टीप्लाइड बाय, 4 डिव और बना दिए, ठीक है नीचे, तो अभी तक के केस में क्या है, ये 4 डिव जब बढ़े तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, जब भी हमारे पास ये डिव बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी डिव आएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली उनकी हाइट क्या हो जा रही है, अब 300 300 पिक्सल, ठीक है।
कभी भी मेरे पास डिव में डायनेमिकली डेटा आ जाए और डेटा आए। अब होता है ना, जैसे आप हॉटस्टार देखते हो यार, अमेजोन प्राइम देखते हो, ठीक है, होता है वो अलग अलग। अब कल के दिन एक इमेज और आई तो, कल के दिन एक मूवी और बन गई तो, अब वो मूवी कहाँ होगी? वो मूवी कहीं होगी ना, यहाँ यहाँ ऐसी होती है। अब देखिए, अच्छा मैंने दिखाया आपको ये, और वही 11:30 बजे के बैच पे दिखाता हूँ जो आपके बाद का बैच है। इस रिक्वेस्ट कितने भी दो तो हमने दे रखी है ना मिनिमम। हमने रो कितनी दे रखी है? 200 200 पिक्सल की। अगर दो मूवी ऐड होती है, तीन मूवी ऐड होती है, तो तीनों में खुद प्लस से है, ऑटोमेटिकली तीनों में बनती चल प्लस जाएंगी उतनी उतनी हाइट। अब देखिए तीनों बिल्कुल, हम यहाँ पर पेज पर हैं, बात को समझने की कोशिश कर रहा। अगर मान लो मैं किसी वेबसाइट पे बनाने पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई वेबसाइट बनानी है ऐसी, ठीक है, ये डेटा कौन सा पता है? ये डेटा यही है, और ये डेटा को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। कल के दिन आगे इन फ्यूचर पे जब आप डायनेमिकली बात करने लगेंगे, ठीक है, बट वेब डिजाइनिंग वाले को नहीं बनाना पड़ेगा। वेब डिजाइनिंग वाले का कोई टास्क नहीं, वेब डिजाइनिंग वाला तो क्या बना कर रख देगा? सिर्फ टेम्पलेट बना कर रख देगा। और वो जो डेटा है, वो डेटा डिफ पर आता रहेगा। आप अब नोटिस करना, अगर आप इसी पेज पे ऊपर अगर देखते हैं, ये जो डेटा आ रहा है, आप नोटिस करना, ये चीज ही मैंने क्वेश्चन पे शेयर करी होगी स्टूडेंट्स को कि भाई आप एक काम कीजिए, आप इस पर्टिकुलर डेटा को एपीआई बनाइए। ये देखिए मैंने ये स्टोर किया है, ये शेयर किया है, और ये यही एपीआई है, और बच्चों को ये इमेज दे दिया। मैंने कहा यार ये इमेजेस हैं, अब आपका टास्क क्या है? आप इसको बनाइए। अब अगर आपको डिव आता होगा तो आपको इजी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आइटम बढ़ते जाएंगे कल के दिन, और वो आपका ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा? खुद से कॉलम्स बढ़ाता चले जाएगा, खुद से रोज बढ़ाती चली जाएगी। आपने यहाँ पर ऑटो रोज पे 200 पिक्सल 300 पिक्सल जो भी आप लिखना चाहते वो आप लिख सकते। डेटा तो नीचे डिप तो बनेगा ही, एचटीएमएल में बनेगा, ऊपर बनता चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटो रोज की प्रॉपर्टी है कि ऑटोमेटिकली अगर रोज आती है तो उस पर कितनी कितना हाइट हो, ठीक है। अच्छा अब फिर से वापस जाता हूं मैं उसी जगह पे, इस प्रॉपर्टी को अभी कमेंट कर दे रहा हूं, कंट्रोल प्लस एस। मैंने कहा भाई तीन कॉलम्स हों और इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के हों, तो 3 1 4, ठीक है, बाकी चीजें कमेंट कर दी हैं मैंने, तीन कॉलम्स मेंशन कर दिया है, दोबारा से फोकस कर रहा हूँ, इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के। अच्छा अगर आप अलग अलग फ्रैक्शंस देना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं सर तीन नहीं, मैं ये चाहता हूँ इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के ना हो, अलग अलग फ्रैक्शंस देना चाहते हैं, आपने कहा सर पहला वाला लेट से 2 फ्रैक्शन का हो, जितना टोटल विड्थ है उसका 2 2 हिस्सा, ठीक है, जितनी टोटल विड्थ है उसका 3 हिस्सा, ठीक है, खुद से कैलकुलेट करेगा वो, जितनी टोटल विड्थ है उसका 4 हिस्सा, अलग अलग दे रहे हो आप सबसे, अलग अलग फ्रैक्शंस आपने डिफाइन कर दिए कि भाई तीन कॉलम से बने बट इस तरीके से बने, देखो अलग अलग बन रहा है, क्लियर हो रही बात? तो आपका बेसिक सा काम तो पहला वही है, इमेज गैलरी, ठीक है, आपको क्या बनानी है? इमेज गैलरी बाय यूजिंग ब्रिक, इसके बाद आपको 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्यों पढ़नी है वो बता रहा हूं, किस चीज के लिए पढ़नी है। यहां पर आप अगर इस पेज को मिनिमाइज करते हैं, इसको आप मोबाइल पर लेके जाते हैं, तो देखिए ये क्या हो कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर रहा ना, ये तो नीचे नहीं आ रही खुद से, मोबाइल पे जा रहा हूं तो क्या होना चाहिए खुद से?
नीचे आ जाने चाहिए टेक्स्ट, इसकी इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है वो मैं बोल रहा हूं। देखिए आपको पहली प्रॉपर्टी पढ़नी है ऑटो फिट और दूसरी ऑटो फिल। ये ऑटो फिट क्या होता है और ऑटो फिल क्या होता है, ठीक है? ऑटो फिट क्या होता है और ऑटो फिल क्या होता है? ऑटोमेटिकली फिट कर दे या ऑटोमेटिकली फिल कर दे, ये प्रॉपर्टी क्या है? देखिए थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूं, यहां पर सिर्फ ओपन करके दिखा रहा हूं। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, एक चीज और लिखी हुई है यहां पर, क्या मिन मैक्स? एक ये मिन मैक्स बताते हैं, ठीक है? यहां पर पेज पर पहले एक ये प्रॉपर्टी बताता हूं मिन मैक्स की, मिन मैक्स क्या है। देखो अगर आप यहां पर, ठीक है, आपने मेंशन कर दिया, लेट्स से आपने लिखा रिपीट, तीन कॉलम्स बने, नोटिस करना अगर आपने ये मेंशन किया रिपीट, मेरे कितने कॉलम्स बने? तीन कॉलम्स बने। मिन मैक्सिक प्रॉपर्टी है कि मिनिमम कितनी विड्थ हो, अगर विड्थ को मैं क्या करूं, स्क्रीन को मिनिमाइज करूं, तो मिनिमम कितनी विड्थ हो, लेट्स से मिनिमम कितनी विड्थ हो जाए, 100 पिक्सल हो जाए। अगर मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज करूं तो मिनिमम विड्थ कितनी हो जाए, ये उसके लिए होता है। एक तो 1fr 1fr 2fr इस तरीके से लिखा है, ठीक है? एक आपने इस तरीके से लिख दिया है कि जब मैं स्क्रीन को मिनिमाइज करूं, देखिए जब मैं स्क्रीन को मिनिमाइज करूं तब कितनी विड्थ तक जाए, और जब मैं मैक्सिमाइज करूं तो कितनी विड्थ हो। यहां पर अगर पेज पर है, मैंने एक बेसिक सी प्रॉपर्टी लिखी है, जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं, जो भी मैंने पेज बना रखा है, तो आप अपने हिसाब से यार जब काम कर रहे होते हैं ना, तो अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है यहां पर पेज पर, ठीक है? कि मैं अगर इसे मिनिमाइज करूं या मैक्सिमाइज करूं, तो इस डिफ के जो भी मैंने डिफ बना रखे हैं उनकी विड्थ पे कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है? किससे ज्यादा क्या ना हो पाए, मिनिमाइज ना हो पाए, किससे ज्यादा मैक्सिमाइज ना हो पाए। तो आप यहां पर फ्रैक्शन की जगह पर क्या लिख रहे हो, वैल्यूज लिख रहे हो। अच्छा अगर आपने लिखा जब भी एक्सपेंड हो, तो एक्सपेंड होने पर 1 fraction कवर करे, और जब मिनिमाइज हो स्क्रीन, तो कितने तक आ पाए, सिर्फ 100 pixel तक आ पाए। या अगर आप प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए ये कवर हो रहा है, खुद से कवर कर दिया ना इसने, तो डिप बने हुए हैं बाकी। अगर आप इसे क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, देखिए मैक्सिमाइज किया तो 100 है, अगर आप इसे मिनिमाइज करते हैं तो 100 pixel तक ये मिनिमाइज हो पाए, ठीक है? ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से अप्लाई की जाती है। अच्छा एक मैंने जो आप बोला है, चलो बोल दिया है तो लिख ही दे रहा हूं इसी को। अगर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, ऑटोफिल, ठीक है, मगर पढ़ना आपको है, मैं बोल नहीं रहा हूं, उसकी थ्योरी नहीं बोल रहा हूं। यहां पर अगर पेज पर आए, मैंने प्रॉपर्टी लिख दी, कौन सी प्रॉपर्टी, यहां पर, ठीक है, जैसे इस तरीके से प्रॉपर्टी लिखी है, तब आप देखना अगर मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं ऑटोफिल, ठीक है, तो ऑटोफिल क्या करती है और ऑटोफिट क्या करती है, यहां पर आपको चेंज करके देखना है और पढ़ना है। अगर मैं यहां पर ऑटोफिल लिखता हूं या ऑटोफिट लिखता हूं, तो वो क्या करती है, क्या ये आपको पढ़ने के लिए मैंने बोला है। देखिए जैसे जैसे स्क्रीन नीचे मिनिमाइज हो रही है, वो खुद से क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव जैसे बन रहा है ना, ठीक है? तो आपको मगर पढ़ना है कि ऑटोफिट और ऑटोफिल क्या करता है, इज इट क्लियर? चला के देखना, मैंने फ्लेक्स पे चलाया, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, मीडिया क्वेरी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना इन प्रॉपर्टीज को लिखकर,
वहां पर तो आप मीडिया क्वेरी लिखते हो, और अगर आप ऑटो फिट या फिर ऑटो फिल प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ज्यादातर ऑटो फिट लिखते हैं लोग, बट आपको पढ़ना है, ठीक है, मैंने ऑटो फिट लिखा है। और अगर मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूं तो ये खुद से पेज को जिस तरीके से बनता चला जाएगा ऑटोमेटिकली क्या करता चला जाएगा। अच्छा नोटिस करना, देखो जब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा हूँ ये छोटे हो जा रहे हैं ना, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसीलिए तो प्रॉपर्टी बोली थी, कौन सी हटा रखी है ना, कि जब भी ऑटोमेटिकली रोज क्या हो बढ़े तो आप खुल गया, देखो क्लियर हो रही बात। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज पहले समझनी है, उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज है उस पर चर्चा करते हैं। फिर से बना रहा हूं, वही डिप को कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूं जो बना रखा है। तो अभी पहला टास्क यहां तक पढ़ने के बाद आपके लिए क्या है, एक बेसिक सी इमेज गैलरी जैसा बनाओ, ठीक है, और चेक करो कि रिस्पॉन्सिव हो रही है या नहीं हो रही है। क्या दिख रहा है, ऐसे कुछ गूगल पे सर्च मार देना है, बेसिक सी, ठीक है, अभी भी मैंने कुछ इधर उधर नहीं किया है, जैसा फ्लेक्स पे बात की थी वैसे ही की है, बस मैंने कहा एक इमेज गैलरी बनाओ यूजिंग ग्रिड, ऐसे सिंपल सर्च कर दिया है। आप यहां पर आओ पेज पर, इमेजेस पे क्लिक करो, इमेजेस को डिफ के अंदर IMG SRC से देना, तब आपको बेटर दिखाई देंगी। कोई भी इमेज गैलरी बनाओ, अभी अभी ये वाला या ये वाला ऐसा पड़ा है, कैसा नहीं पड़ा है, ये अभी भी नहीं पड़ा है, ध्यान देना ये नहीं पड़ा है अभी, ठीक है, अभी क्या नहीं पड़ा है, अभी सिर्फ ये पड़ा है, ठीक है, अभी ऐसा बना सकते हैं। क्लियर, मिनिमाइज करने पर खुद से क्या होती जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिव होती चली जाएंगी ऑटो फिट या फिर ऑटो फिल प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो आपको पढ़ने के लिए मैंने बोला है, मैंने सीधे डायरेक्टली ऑटो फिट लिख दी है यहाँ पर पेज पर। अब अगर आपको डिफ के अलग अलग साइजेस करने हैं, जैसे किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को कुछ, ये अलग अलग है ना आप साइजेस, तब इस पे बात करते हैं। क्लियर, या फिर जहां से हम शुरुआत की थी हमने इस जगह पे, यहां से शुरू करते हैं। क्लियर है, तो मैं जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, पूरे पेज को मैंने अभी कॉपी कर दिया और नई फाइल बना दी b.html, और b.html को क्या कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया, Ctrl+S सेव कर दिया, अभी अभी कुछ नहीं कर रहे। हम यहां पर पेज पर हैं, अब बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाने की। तो मैं एक बेसिक सी इमेज दिखाता हूं पहले आपको, समझना आप बातों को। यहाँ पर तो थोड़ा मैंने आपको अभी डिस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, बातों से, कि आपका ध्यान ग्रेड पे ना रहे, ऐसे करना पड़ता है दिमाग को, समझ रहे, यही कहता हूं मैं आपसे कि काम करते करते अपने आपको क्या करो, डिस्ट्रक्ट करो। अगर आपने सुना होगा कि हिचकी आते समय अगर किसी की हिचकी रोकनी है तो उसको इधर उधर कर दो, ठीक है, तो वही वाला हिसाब तुम्हारे साथ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप पेज पर है, ये वाला बेसिक सा पेज, मान लो मुझे ऐसा बनाना है, ठीक है, बात को पूरा पूरा सुनना है। आज की डेट में अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं एडोबे XD या फिर फिग्मा पर, वो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो उन सॉफ्टवेयर्स पे अगर आप काम करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर्स पे डिजाइन करने के बाद आपके पास ग्रिड में, जब आप ग्रिड में काम करते हैं, इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती है, ये कॉलम वाइज है, नोटिस करना, line 1, line 2, line 3 और line 4, ये रो वाइज है, 1, 2, 3, 4, ये डिजाइन है, इस पे इमेजेस बनाई हुई होंगी बंदे ने। अच्छा मैंने जो ग्रिड बनाया है, आप यहां पर नोटिस करना, अगर मान लो मैं ग्रिड बनाने की बात करता हूं इस पर्टिकुलर ग्रिड पर, देखिए मैं इसको थोड़ा दो पे डिवाइड कर दे रहा हूं, अगर मैंने इस पे राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट पैनल किया,
तो जब ग्रिड बनाते हैं, जैसे मेरे पास ग्रिड बन रहा है, आप एलिमेंट सेक्शंस पे आए और एलिमेंट सेक्शंस के अंदर ऊपर क्या लिखा है, ग्रिड लिखा है, सो मैंने टिक किया है। तो आप नोटिस करना, 1 2 3 4, 1 2, बीच में गैप में 2 और नीचे बनेगा क्या, 3। ग्रिड जब देते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4, गैप में नंबर आते हैं, साइड वाले किनारे पे नंबर आते हैं, और रो वाइज भी क्या जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब आप आपको समझना। तो जब ये लेआउट आपका कोई फिग्मा डिजाइन करने वाला बंदा होता तो वो नंबरिंग बनाकर देता, बीच बीच में क्या जाते हैं उस पे, नंबर आते। अभी यहां पर मेरे पास नंबर नहीं है क्योंकि मुझे अब ये खुद से सोचना पड़ेगा। तो मेरे से ऊपर कौन बंदा बैठा है, डिजाइनर। वेब डिजाइनर से ऊपर भी कौन है, डिजाइनर है, जो एडोबे एक्सडी या फिर फिग्मा पे काम कर रहा होगा, जिसे यूएक्स डिजाइनर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो ऐसा डिजाइन बनाकर आपको देंगे, वो कहेंगे कि अब इसको क्या करो, आप वेबसाइट बनाओ। तो वो नंबरिंग पड़ी हुई होती है कैसे, अब मैं यहां पर सोच रहा हूं, देखिए मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यार सेक्शन वाला और आर्टिकल वाला शायद दो दो कॉलम्स को ले रहा होगा। ठीक है, और मैं यहां सोच रहा हूं असाइड जो है वो कितने कॉलम्स को ले रहा होगा, दो कॉलम्स को ले रहा होगा, इसका मतलब टोटल जो कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अगर अगर आप फिग्मा डिजाइन पे बात कर रहे होते तो फिग्मा डिजाइन पर यहां पर 1 इस तरीके से 1 2 3 और 4 कॉलम्स नंबर पड़े हुए होते, क्योंकि वो डिजाइन कैसा देता बंदा, इस तरीके से बनाकर देता, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो ऐसा बनाकर देता। अभी यहां पर मेरे पास है नहीं, ठीक है, वो लाइन नंबरिंग पड़ी हुई होती है फिग्मा डिजाइन पे। ठीक है, अब यहां पर है नहीं तो मैं मान के चल रहा हूं कि कितने कॉलम्स हैं इस पे, 4 कॉलम्स हैं, मैं मान के चल रहा हूं, क्लियर है बात। और इस पे कितने रोज हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 रो हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, टोटल डिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेरे पास टोटल डिव है 6, तो मैंने यही काम किया होगा, एक कंटेनर, सबसे पहले कंटेनर तो बनाऊंगा आउटसाइड पे। तो मैंने क्या कर रखा है, अच्छा नोटिस करना, अपने पेज पर आते हैं यहां पर काम कर रहे हैं इस जगह। तो मैंने कितने कंटेनर डेट ने बना रखे हैं, 6। यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज में अभी के केस में चेंज कर रहा हूं, जिस तरीके का बनाना है उस पर ध्यान देते हुए, रोज पे मैं अभी कुछ फोकस भी नहीं कर रहा हूं, ये रोज ऑटोमेटिकली खुद से होती रहे, हालांकि 5 बनेंगी, आप बना सकते हैं अलग अलग वैल्यूज देकर। अभी सिर्फ जहां पे मुझे फोकस करना है मैं वहां पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने ऑटो फिट भी हटा दिया, मैंने कहा छोड़ो यार इससे क्या लेना देना है ना, मुझे कितने कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स। ठीक है, और इक्वल इक्वल फ्रैक्शन के, पहला काम तो यही करना है ना। ठीक है, रो कितनी है, 5, तो आप 5 अलग से बना सकते हैं किस तरीके से, देकर ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज करके, और ऑटोमेटिकली बनेंगे तो ऑटो रोज का यूज करके, बट मैं अभी यहां पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर फोकस करते हुए चल रहा हूं। कंट्रोल प्लस एस सेव किया और अलग से इस पर्टिकुलर फाइल को रन करा दिया। तो मेरे पास एक आउटर डिव है और उसके अंदर कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 4 कॉलम्स, ये बन रहे हैं 4 कॉलम्स। ठीक है, हमारे पास जो भी डिव होगा वो इस तरीके से बनने वाला है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे बनाना क्या है, अब वहां नोटिस करूंगा मुझे बनाना क्या है ये। ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बना है, अभी तो मैंने क्या कर रखे हैं, सिर्फ 4 कॉलम से हैं, ये मैंने सोचा है तो 4 कॉलम्स बना दिए। इस वाले पार्ट को, 1 नंबर वाले पार्ट को बढ़ाना है क्योंकि ये हेडर वाला पार्ट रहेगा, राइट। ठीक है, तो 1 नंबर वाले पार्ट को बढ़ाकर यहां से लेकर कहां पहुंचाना है, यहां लास्ट में। तो अब नंबरिंग पड़ी हुई है कौन सी, 1 2 3 4 और लास्ट में क्या, 5 5। तो आपको पहले नंबर को बढ़ाना है, तो आप फोकस करोगे पहले नंबर पर।
आप फोकस करोगे पहले नंबर पर। तो पहले नंबर का आइटम नंबर क्या लिखा है इसपे? वन। आप यहां पर आए, आपने लिखा आइटम नंबर वन, इसको बढ़ाना है। तो अब आप यहां पर प्रॉपर्टीज लिखने वाले हो। अब आप प्रॉपर्टीज क्या लिख रहे हो? जो भी जिस बंदे को बढ़ाना है, कहां से कहां तक बढ़ाना है, ठीक है? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब जो ये प्रॉपर्टीज हैं, ग्रिड कॉलम, ये डायरेक्टली यूज करी जा सकती है प्रॉपर्टी। आपने लिखा ग्रिड कॉलम, एक तो क्या है ग्रिड कॉलम, स्टार्ट कहां से करना चाहते हो? एक नंबर से। और कहां पहुंचाना चाहते हो? 5 नंबर पे। तो एक तो आप ऐसे लिखते, एक नंबर से बढ़ाना है, और ग्रिड कॉलम एंड कहां लिखना है? ग्रिड कॉलम एंड किस जगह पे करना है? सॉरी, कॉलम एंड, तो की जगह पे कौन सा? कॉलम एंड किस नंबर पे पहुंचाना है? 5 पे। तो एक तरीका तो ये है कि आइटम नंबर एक को आपने एक नंबर से बढ़ाया, और कहां तक पहुंचाया? 5 तक पहुंचाया। देखो, एक से उठा के कहां पहुंचा रहे हो? 5 पे, बाकी खुद से कुछ नीचे आ गए हैं अभी। अच्छा, क्योंकि अभी रो वाइज ही इस पे काम करना है या कॉलम वाइज ही काम करना है, वो फोकस करते हुए काम करा जा रहा है। अच्छा, इसी की शॉर्टकट आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रिड कौन सी प्रॉपर्टी? कॉलम प्रॉपर्टी, 1/5, एक नंबर से उठाकर कहां तक पहुंचाओ? 5 तक पहुंचाओ। अच्छा, 5 की जगह पर निगेटिव में भी आपने देखा होगा -1 लिखा हुआ आ रहा था। आप अगर नोटिस करेंगे, निगेटिव में -1 भी लिख देते हैं कुछ बच्चे, मगर मैं यार निगेटिव नहीं लिखता हूँ, ठीक है? मैं पॉजिटिव पे भी ध्यान देता हूँ कि एक से नंबर से कहां तक पहुंचे? 5 तक पहुंचे। अच्छा, इसी तरीके से आपको अभी क्या करना है? अब आप स्ट्रक्चर पे हैं, उस स्ट्रक्चर पे फोकस करते हुए दूसरा नंबर भी कहां तक पहुंचना चाहिए? एक से लेकर 5 तक। तो दूसरा नंबर भी पहुंचना चाहिए एक से लेकर 5 तक। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप यहां पर फोकस करते, आप लिख देते डॉट आइटम नंबर कौन सा? 2 ना। तो 2 भी कहां तक पहुंचा है? 5 तक पहुंचा है, एक से लेकर 5 तक। तो देखिएगा आप पेज पर, दूसरा नंबर भी कहां से पहुंच गया? एक से लेकर 5 तक, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप फोकस करते हैं, आप यहां पर पेज पर आए, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये वाला बढ़ाना है, 3 नंबर। 3 नंबर में क्या करना है? जो कॉलम्स हैं वो एक से लेकर कहां तक पहुंच जाए? 2 और 3, ठीक है? 2 या 3, इस तरीके से नंबरिंग, जो अपने हिसाब से नंबरिंग देखते हुए चल रहा हूं। मैंने क्या बोला कि नंबरिंग पड़ी हुई आती है, वो नंबरिंग कहां से देख सकता हूं मैं? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पैनल पर, यहां पर जाकर, ठीक है? अब शुरू शुरू में आप मेरे को देखते हुए देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा इजी सा दिखाई दे, ठीक है? जब करने लगोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। मैं यहाँ पर डिप पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसको बढ़ाना है, ठीक है? कहां से? यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? तो ये वाले को बढ़ाना है। अच्छा, मैं यहां पर फोकस करूंगा। मैंने कहा यार किसको बढ़ाना है? कॉलम नंबर 3 को बढ़ाना है। आप नोटिस करना, किसको? आइटम नंबर किसको? 3 को। ग्रिड कॉलम एक नंबर से 3 नंबर पर। तो मैंने एक नंबर से 3 नंबर मेंशन कर दिया। मैंने कहा चल भाई बढ़ जाए, एक से कहां तक बढ़ गया? 3 तक। ऐसे 4 वाले को भी बढ़ाना है, आप नोटिस करना, ठीक है? एक और है आर्टिकल वाला। तो मान लो मैंने इस वाली प्रॉपर्टी पे भी दे दिया, क्या लिखा है यहाँ पर? आइटम नंबर 4। आइटम नंबर कौन सा? 4, कि भाई तू भी बढ़ जा एक से लेकर कहां तक आ जा? 3 तक बढ़ जा। मैंने इस पे 1 से 3 लिखा, तो ये 5 नंबर कहां आ रहा है? नीचे। अब 5 नंबर नीचे आ रहा है, 5 नंबर को दो तरफ एडजस्ट करना है। 5 नंबर को एक तो रो वाइज भी एडजस्ट करना है और कॉलम वाइज भी एडजस्ट करना है। नोटिस करना है, जिस पे फोकस कर रहे हैं ना, ध्यान वही होना चाहिए। अगर ध्यान हटता है तो फिर मेरी तरह क्या करो? मैं ध्यान हटाने के लिए पहले मिठाई खाने गया, फिर वहां से आया, फिर तुमसे थोड़ी पहले गप्पे मारी, ठीक है? फिर स्टार्ट किया बात। फोकस नहीं हटना चाहिए दिमाग का, क्लियर? और हट रहा है तो छोड़ दो बात को, मत करो। मैं तो कहता हूं घूमने चले जाओ। तो हम यहां पर पेज पर हैं, अब वर्किंग कर रहे हैं। अब किस पे फोकस करना है? 5 पे। अब यार नंबरिंग के हिसाब से आप नोटिस कीजिए, तो इसको 3 नंबर से लेकर कौन सी नंबर की लाइन पे? यहां पर 3 नंबर से लेकर इस तरफ के नंबर की लाइन पे लाना है, 4 पे। इसको बढ़ाना है ना, ठीक है? और इसको किस तरीके से कॉलम वाइज भी बढ़ाना है, 3 से लेकर कहां तक? 5 तक।
ठीक है, ये भी फोकस करते हुए चलूंगा मैं, क्या किस लाइन पर फोकस कर रहा हूँ वहां पर। तो मैंने 5 नंबर पे फोकस किया, मैंने कहा यार जो आइटम नंबर 5 है उस पर कॉलम वाइज भी बढ़े और रो वाइज भी बढ़े। तो मैंने यहाँ पर लिखा ग्रिड कॉलम जो है वो तो 3 नंबर से लेकर 5 तक जाए, तभी मैंने बोला, और जो रो है वो ग्रिड कौन सी रो होगा, ग्रिड रो कहां से बढ़े, 3 से लेकर जहां तक आप चाहते हो वो आपने मेंशन कर देना है। अगर 2 कवर करवानी है तो आप 2 कवर करवा सकते हो क्या देकर, 5 देकर। अगर आपको 2 रोज बनानी है तो 5 आप बढ़ा दे रहे हो, उसे 2 रो कवर करवानी है तो ठीक है, तो 3 नंबर से लेकर कहां तक बढ़ जाए, 5 तक, जिससे खुद से वो नीचे वाला जो होगा वो मूवमेंट कर जाएगा। देखिए 3 से लेकर ये कहां बढ़ गया, 5 तक, अब ये वाला कहां चला गया, खुद से नीचे चला गया ना, 1 रो बढ़ गई खुद से, ठीक है, ये कौन से नंबर पे पहुंच गया, 6 नंबर पे। अब इस वाले को बढ़ा देना है 1 से लेकर कहां तक, 6 तक। तो अगर 1 से लेकर 6 तक इसे बढ़ाना है तो आप यहां पर फोकस करते, यार आपने लिख रखा है कि बार पे, बार बार तो नहीं लिखता रहूंगा ना, मैंने आइटम नंबर क्या लिख दिया, ऐसे 6 लिख दिया, अब ये 6 बढ़ गया, कंट्रोल प्लस एस मैंने इसे सेव किया, जाकर अगर पेज पर देखता हूं बढ़ गई प्रॉपर्टीज। अब जाकर अब ऑटोमेटिकली जो जो रोज बन रही हैं आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हुए चल रहे थे, मान लो मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर लेता हूँ, अब ग्रेड ऑटो रोज करके लिखा था, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली जो भी रोज बने वो कितने पिक्सल की बनते रहे, 200 पिक्सल की बनती हुई चले, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है, ठीक है, कितनी रोज बने ये भी आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं, देखिए बन गया लेआउट। अब आपको जिस पे डेटा डालना होगा वहां डेटा डाल दोगे ना, अभी तो उतना ही रहेगा, अगर 200 पिक्सल लिख रखा होगा तो हाइट देने की जरूरत नहीं है ना, ये तो ऑटोमेटिकली दिया है, डेटा डालेगा तो ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ती है, ये तो अभी बनाने के लिए दिया है, दिखाने के लिए कि भाई देख बन गया वैसा टाइप, ये तो दिखाने के लिए दिया है ना ये वाली लाइन, तो डेटा डालेगा ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ती है, क्लियर है बात, जब आप इसके अंदर इमेज डालोगे डेटा डालोगे तो ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ती है। अब आपका टास्क क्या है, आप पहला टास्क जो करेंगे वो ये करेंगे, इस तरीके की कोई भी इमेज गैलरी आपको बनानी है, ठीक है, दूसरा टास्क पहले तो डिवी बनाओगे ना, ठीक है, तुरंत आप डेटा नहीं डाल सकते हैं, पहले क्या बनाओगे इसका, डिव ही बनाओगे, एक तो ये आपका टास्क है, दूसरा टास्क है ये, आपको ये बनाना है, तो सबसे पहले तो आप ये बनाइए, उसके बाद आप वो रिस्पॉन्सिव वाली जो मैं गैलरी आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा वो बनाए, ठीक है, अब आपकी ये दो टास्क, फिर आप जो भी पेज बना रहे हो कैसे बनाओ, ग्रिड और फ्लेक्स दोनों का यूज करके, ठीक है, ग्रिड और फ्लेक्स का दोनों का यूज करके, इमेज सुनी हो रही सर, 1 सेकेंड ना, गिव मी 1 सेकेंड, कहां पर फंसे हम लोग, इस पे, अच्छा होगी, तो एक पहला टास्क तो ये है, ये इमेज आपको बनाना है, ऐसा बनाना है, ठीक है, अब नंबरिंग यहाँ पे पढ़ी नहीं मिल सकती है क्योंकि यार आपके पास फिग्मा डिजाइन नहीं है, ठीक है, फिग्मा डिजाइन होता है तो क्या पढ़ी हुई होती है, कहा मैंने वो लाइंस पढ़ी हुई होती है 1 2 3 4, किसको कितना बढ़ाना है आप खुद अंदाजा लगा पाते, अब यहाँ पे पढ़ी नहीं है तो मैं खुद से सोच के ऐसा काम कर रहा होता हूँ, और उसके बाद पहले ये करना है, फिर दूसरा फिर क्या बनाना है, ये बनाना है विथ रिस्पॉन्सिव, 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है, ऑटो फिट ऑटो फिल, क्लियर, ठीक है, उसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे फिर मैंने आपको वेबसाइट बोल रखी है कौन सी, css.com, जो भी वेबसाइट आपको बोली है उस वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं इन फ्यूचर नई चीजें सीखने के लिए।